नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वृश्चिक राशि वालों। दोस्तों, धन के देवता कुबेर देवता जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, ये बात तो आपने सुना ही होगा। जी दोस्तों, यह बात अगले 10 दिनों के अंदर आपके जोन में बीतने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगले 10 दिनों का जो समय होगा, इस समय अंतराल में कुबेर देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आपके जीवन में कई सारे अनचाहे बदलाव होने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 10 दिनों का जो समय होगा, जो ग्रहों की तिथि होगी, बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि यश में कुबेर देव की असीम कृपा आपके जीवन काल में आपको प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपको कोई भी गलती नहीं करनी है और सभी कार्यों को सावधानी पूर्वक करके आगे बढ़ना है। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, इसलिए आप इसे मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे कि इन समय अंतराल में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान कुबेर देव के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होने वाली है, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय कुबेर देव लिखेगा, गुरु जी का और भगवान कुबेर देव का सदैव आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना घटित होने की संभावना बन रही है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपसे रिश्तेदारों के संबंध में जो भी लोग हैं, उनकी नैतिकियाँ अश्मी बढ़ने वाली है। बच्चे के अनुशासित व फिर आगे कार्य रहने की वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों, यशमी आपके अगर सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों इस बात का आपको यशमी ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपके नज़दीकी रिश्तेदार या फिर मित्र की जलन की भावना से आपकी छवि खराब हो सकती है। ये आवेश में प्रयास करने वाले हैं, तो दोस्तों इन समय जो भी लोग आपके आसपास हैं, इनसे आप सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उनके पहलुओं पर पूरी तरह से विचार विमर्श करना आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे, तो दोस्तों जरूर उन पर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपका अधिकतर ध्यान केवल अपने कार्य या फिर खुद की जीवन शैली को सकारात्मक बनाने के लिए बीत सकता है। दूसरों के द्वारा मिल रही जो है आलोचना को नजरअंदाज करके आप अपनी योजना पर ही टिके रहने की और अपने काम से संबंधित बातों को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यशों में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपका भाग्य की अपेक्षा कर्म पर अधिक विश्वास आपको करना चाहिए। यश में आपको अत्यधिक सकारात्मक बदलाव भी नजर आने वाले हैं। ये जो समय है बहुत ही शुभ समय होगा और ग्रह स्थिति भी यश में आपके लिए शुभ बनी हुई है। इसके साथ ही दोस्तों, लाभ के भी नए मार्ग इसमें प्राप्त होंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी कार्य में भी व्यस्तता बनी रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों, ध्यान रखें कि घर में कोई छोटी सी बात को लेकर बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। घर में सभी समस्याओं को आपस में मिल बैठकर सुलझा लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कभी कभी अति आत्मविश्वास ही आपकी परेशानी का कारण बन सकता है, तो दोस्तों यशमी इनसे सावधान रहें। अपने व्यवहार को जो है सीमित बनाकर रखना इसमें आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, तो इन सब चीज़ों पर आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यशमी आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि अपने विचारों के द्वारा खुद प्रबंध बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलना खुद के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मिल रहे अवसर का भी पूरी तरह से फायदा उठा पाना आपके लिए कठिन होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में ग्रह स्थिति कुछ लाभदायक परिस्थितियां का निर्माण भी कर रही है, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें। चल रही किसी पुरानी समस्या का भी यश में हल मिलेगा, जिनसे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा और अधिक सुकून यश में आप महसूस करेंगे। परिवार के बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा का भाव रखें तथा उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। दोस्तों, ये आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी बातचीत या फिर महत्वपूर्ण काम करने से पहले पूरी तरह छानबीन तथा जांच पड़ताल अवश्य करें। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपको कुछ धोखा होने की भी संभावना बन रही है। अपने स्वभाव में इसमें परिपक्वता लाना आपके लिए अत्यावश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको बता दें कि दोस्तों भूतकाल में किसी बात के प्रति ली हुई रिक्स आपको भले ही तकलीफ दे रही हो, लेकिन दोस्तों आपका आत्मविश्वास यश में कायम रहने की वजह से
आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। मित्र परिवार में से कोई आपका प्रेरणा स्थान बना रहेगा। आपकी वजह से परिवार में आनंदित वातावरण भी यश में बनने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में कोई महत्वपूर्ण सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। यश में मीडिया तथा संपर्क सूत्रों संबंधी गतिविधियों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। आपकी आर्थिक स्थिति यश में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और यश में आपकी जो गतिविधियां होंगी उनमें बहुत अधिक लाभदायक संबंधित कोई भी योजना बन सकती है। दोस्तों यश में आप शारीरिक और फिर मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस भी करेंगे। साथ ही दोस्तों यश में किसी नैतिक संबंधी अथवा मित्र के वाद विवाद होने की स्थिति भी बन रही है। अपने गुस्से तथा उत्तेजित स्वभाव पर नियंत्रण रखें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। कोई भी भविष्य संबंधी योजना बनाते समय अपने निर्णय को जो है प्राथमिकता ही दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपको जो प्रस्ताव मिल रहे हैं उसके बारे में सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। सपनों में खोए रहना आपके लिए यश में समस्या का कारण बन सकता है, तो दोस्तों सचेत रहें। काम के प्रति आप अत्यंत लापरवाही कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके लिए लोगों की अपेक्षाएं कम हो रही है, तो दोस्तों इन सब बातों पर ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में व्यवसाय में किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों समय अनुकूल होगा, परंतु दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने की भी आवश्यकता होगी। नौकरी में यश में परिस्थितियां जैसे चल रही है उन्हें स्वीकार करें, आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में नौकरी में यश में जैसी परिस्थितियां चल रही है उसे स्वीकार करेंगे तो मुश्किल समय आसानी से व्यतीत हो जाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में विदेश से संबंधित जो भी कार्य है यश में उनमें थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। इसके साथ दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आप अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास द्वारा कई रुके हुए कार्यों को पूरा करने में भी सक्षम रहेंगे। अपना पूरा ध्यान मार्केटिंग अथवा अपने प्रोजेक्ट को प्रमोशन करने में लगाएं। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य के प्रति अधिक ध्यान देने की भी जरूरत होगी। कोई गलती नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो दोस्तों यश में बिल्कुल भी लापरवाह ना बने। इसके साथ दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यश में व्यवसाय के संबंधी अधिकतर काम घर से ही संचालित करेंगे। पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग, मीडिया आदि से संबंधित व्यवसाय यश में फायदेमंद में रहने वाले हैं। नौकरी में किसी ऑफिशियल यात्रा भी आपको करना पड़ सकता है, यश में आपको बॉस ये ऑर्डर दे सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके करियर के लिए, आपको बता दें कि दोस्तों व्यापार में आर्थिक मामलों पर और अधिक मनन या फिर चिंतन करने की जरूरत होगी। साथ ही दोस्तों अपनी कार्य प्रणाली में भी कुछ परिवर्तन लाना आपके लिए जरूरी होगा। अपने प्रयत्नों में बिल्कुल भी कमी ना करें, ये आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि दोस्तों इसके उचित परिणाम आपको अवश्य ही प्राप्त होंगी, तो दोस्तों जरूर इन पर आप ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत होने की आशंका लग रही है। पारिवारिक व्यवस्था कुछ इसमें अस्त व्यस्त भी रहने वाली है। इनको दोस्तों आपको बता दें कि आप उन्हें तथा घर के मामलों में सहयोग देना आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। साथ ही दोस्तों पार्टनर के ईगो को संभालने की आप कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए, आपको बता दें इसके साथ ही दोस्तों यश में पति पत्नी के बीच अहम को लेकर टकराव हो सकता है। ध्यान रखें कि इसका असर आपके परिवार के सुख शांति पर ना पड़े। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पार्टनर का स्वभाव आपके लिए तकलीफ का कारण भी होगा, लेकिन यश में ग्रह स्थिति जो है अगर आप कोशिश करेंगे तो उन्हें संभाल भी पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक तथा व्यवसाय के जीवन को बेहतर रखना आपके लिए यश में महत्वपूर्ण भूमिका होगा। इनमें तालमेल बिठाना या फिर समझ बनाकर रखना आपके लिए यश में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। साथ ही दोस्तों इसमें प्रेम संबंधों में मर्यादाओं का ध्यान आप अवश्य रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में जीवन साथी की सलाह व फिर सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। संतान के किसी क्रियाकलाप तथा दोस्तों की संगति आदि को नजरअंदाज ना करें, ये आपके लिए यश में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में शरीर में सुस्ती और थकान जैसी स्थिति भी आपको महसूस होगी। आपका अपने खान पान तथा दिनचर्या के प्रति लापरवाह रहना या फिर लापरवाही करना आपके स्वास्थ्य के लिए यश में हानि पहुंचा सकता है, तो दोस्तों जरूर यश में इन पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके
हेल्थ के लिए जो समय होंगे आपको बता दें, अगर आप चांदनी को रखेंगे तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु आपको वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। इसलिए दोस्तों इन बातों पर आपको इसमें गौर करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपको बता दें, थायराइड संबंधी समस्या है तो उनकी नियमित जाँच करवाना इसमें आपके लिए आवश्यक होंगे, वरना आपकी समस्या इसमें बढ़ सकती है। तो दोस्तों जरूर इन पर आपको इसमें ध्यान देना चाहिए।